आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके जरिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदार अपने जैसे जानदार को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है. और अगर हम ये देखें कि उसमें सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है, तो उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है. और आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे. तो अगर ये देखा जाए, मतलब अगर कंपेयर किया जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू मेल. ठीक है, और अगर हम उसकी देखें कि वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, वो ये क्योंकि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ गेमीट प्रोड्यूस करता है, जबकि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो गेमीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो एम्ब्रियो है उसको नरिश भी करता है और उसको डिवेलप करता है तकरीबन 9 मंथ्स के लिए. तो स्टूडेंट्स, इसका हमने देखा कि वो क्यों कॉम्प्लेक्स है. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, तो जैसे कि आप यहां पर डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए. अगर हम देखें तो वो क्या है, ओवरी है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स और वेजाइना. ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो जो ओवरीज हैं उन्हें गुनेट्स भी कहा जाता है, हम साथ में यहां पर देख लेते हैं. और अगर इनकी बात की जाए कि ये कहां पर प्रेजेंट है, तो ये पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट है और थ्रेड की तरह से, धागे की तरह से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें लिगामेंट्स कहा जाता है, जो इसको होल्ड करके रखते हैं कहां पर, पेरिटोनियल कैविटी में. और साथ में अगर हम ये देख लें कि ये कितनी लॉन्ग है, कितनी वाइड है, मतलब कितनी लंबी है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ओवरी है वो 2 to 3 centimeter लॉन्ग है और इसके सॉरी 3 to 5 centimeter लॉन्ग है और 2 to 3 centimeter वाइड, मतलब ये कि चौड़ी है. और इस तरह लंबाई की बात की जाए तो वो 3 to 5 centimeter है. अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये ओवा प्रोड्यूस करती है, ओवा जिसे एग कहा जाता है. इसके अलावा ओवरी जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करती है. तो अगर हार्मोन की बात की जाए कि हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जो है वो स्पेशलाइज्ड हम कहते हैं कि केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. और ओवरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे. अभी हम फर्दर इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि जो ओवरी है, अगर हम उसको देखें, अगर हम उसको आउटर व्यू लें, बाहर से देखें, तो इस तरह से लगता है कि जिस तरह से कैविटीज प्रेजेंट है छोटी छोटी सी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं. और अगर उनके इंटरनली देखा जाए तो वो कैविटीज असल में क्या है, वो फॉलिकल्स हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल कहा जाता है. जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल है, ये ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद ये क्या बनाता है, एक मैच्योर फॉलिकल. और हर फॉलिकल के पास एक ओवा है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर में नजर आ रहा है हमें, मतलब ये क्या है, ये फॉलिकल, और इसमें ये जो येलो कलर का है ये क्या है, ये ओवा. तो मैच्योर फॉलिकल क्या करता है, मतलब हम कहते हैं कि जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है उसके बाद एक हार्मोन रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे LH कहा जाता है. और वो क्या करता है, वो ओव्यूलेशन कराता है. यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि ओव्यूलेशन क्या होगी कि ओवा को, एग को रिलीज कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद यहां पर जो फॉलिकल रह गए जो वो रप्चर हो जाएगा, वो येलोइश सा मास बन जाएगा. और उस येलोइश से मास को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम. अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे प्रोजेस्ट्रॉन कहा जाता है, जो फर्दर एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करता है, उसको नरिश करता है. उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाता है और दोबारा से ये साइकिल चलता जाता है. और ये साइकिल क्या है, 1 month का साइकिल है. और एक एडल्ट फीमेल 1 month में 1 ova रिलीज करती है. और अगर हम हार्मोन की बात करें तो ये जो फॉलिकल है जब ये मेच्योर हो रहा होता है तो ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है. अब अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ओविडक्ट. ओविडक्ट को साथ में क्या कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब. ओविडक्ट के स्ट्रक्चर्स की फर्दर बात की जाए कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में प्रेजेंट है कि ये जो ट्यूब है इसे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहा जाता है. इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें फिमरी कहा जाता है. ये जो फनल की तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एक फनल की तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे इनफंडिबुलम कहा जाता है. उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे एम्प्यूला और उसके बाद एस्टमस. ठीक है, अब साथ में अगर हम देखें कि ये जो फेलोपियन
फेलोपियन ट्यूब है या फिर हम कह रहे हैं कि ओविडक्ट है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके अलावा ये करती क्या है, ये ट्रांसफर करती है ओवम जो कि ओवरी प्रोड्यूस कर रही है कहाँ पर, यूट्रस तक इसको लेके जाती है। अब अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर होती है, तो फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पर हो रही है, ओविडक्ट में हो रही है। और ओविडक्ट में भी उसका कौन सा वाला पार्ट है, इम्प्यूला, इसका ये वाला जो रीजन है जिसे इम्प्यूला कहा जाता है वहां पर इसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए कि क्या होती है, जिसमें हम कहते हैं कि यूनियन होता है स्पर्म एंड एग का, जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और उसके बाद जो सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जायगोट। और फिर फर्दर आप जैसे यहां पर भी देख रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फर्टिलाइज एग कहां पर, फर्दर जो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूट्रस में। तो अगर हम अभी ओविडक्ट ही की बात करें कि जो ओविडक्ट है इसमें शीट ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, और अगर हम इस सेल्स की बात करें तो साथ में एक और डायग्राम देख लेते हैं जैसे आपके सामने डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओविडक्ट की जो शीट है स्मूथ मसल्स की वो शो की हुई, और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, सिलिएटेड एंड सिक्रेटरी सेल्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो क्या है, जो सिलिएटेड सेल्स हैं। इसके अलावा ये वाले जो सेल्स हैं ये सिक्रेटरी नेचर के हैं जो डिफरेंट सिक्रेशंस को पोर करते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, मतलब अगर सिलिएटेड सेल्स की बात की जाए तो इनका फंक्शन क्या है, सिलिया की मूवमेंट की वजह से उस साइड को कहां पर लेके जाया जाता है, यूट्रस तक लेके जाया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें कि किस तरह की मूवमेंट होती है तो वो मस्कुलर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। इसके अलावा और क्या होगा, बीटिंग ऑफ सीलिया, जिसकी वजह से जो ओवा है, जो फर्टिलाइज ओवम है, उसको कहां पर लेके जाया जाएगा, उसको लेके जाया जाएगा यूट्रस तक। जैसे कि अगर हम दोबारा से अपनी ये वाली डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये क्या है, उसकी मूवमेंट। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये जो इसकी मूवमेंट हो रही है वो बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल्स, और वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है सिलिएटेड, उनकी सिलिएटेड सेल्स के सीलिया की बीटिंग की मूवमेंट की वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा। इसके अलावा सिक्रीशंस की बात की जाए, हमने कहा कि दो तरह के सेल्स हैं, एक सिलिएटेड और दूसरे सिक्रेटरी सेल्स। तो जो सिक्रेटरी सेल्स है उनके फंक्शन को देख लेते हैं कि वो करते क्या है। सिक्रेटरी नेचर के है तो इट मीन्स के वो क्या कर रहे हैं, वो सिक्रेशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो सिक्रेशंस हैं उनका क्या फंक्शन है, वो कीप ओसाइट मॉइस्ट एंड नरिश। इसका मतलब ये है कि जो ओवा है, ओसाइट है, वो उसको मॉइस्ट रखती है और साथ साथ उसको नरिश रखती है, मतलब ये कि वहां पर उसको फूड भी मिलती रहे और वो ड्राई भी ना हो। इसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो यूट्रस। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओवा ओवरी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद वो उसके जो पाथ है वो क्या है, वो फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहां पर आएगा, यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि किस तरह का है, तो ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूट्रस के पार्ट्स की बात की जाए कि फर्दर यूट्रस के कितने पार्ट्स हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं। एक उस फंडस, सेकेंड हम देख रहे हैं कि बॉडी, और थर्ड इसका पार्ट जो है वो सर्विक्स। ये किसके पार्ट हैं, ये मिलके यूट्रस बना रहे हैं। तो अगर यूट्रस ओविडक्ट की बात की जाए तो ओविडक्ट कहाँ पे ज्वाइन करिए यूट्रस को, जस्ट बिलो द फंडस। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमारी जो ओविडक्ट है वो इस पॉइंट के ऊपर आके मीट करिए, ज्वाइन करिए यूट्रस के साथ। अब अगर हम यूट्रस की वॉल की बात करें तो ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं डायग्राम में। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो बहुत ही थिन होती है, जिसे पेरिमेट्रियम कहा जाता है। उसके बाद थिक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स की, जिसे मायोमीट्रियम कहा जाता है, और ड्यूरिंग बर्थ इसके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बेबी को एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम मदर्स बॉडी, मतलब ये कि मदर की बॉडी से उसको बाहर भेजा जाता है। इसके अलावा जो थर्ड लेयर है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लेयर प्रेजेंट है इसे एंडोमीट्रियम कहा जाता है, और जो एंडोमीट्रियम है ये वो वाली लेयर है जहां पर फर्टिलाइज एग आकर इम्प्लांट होता है, और फिर फर्दर उसकी नरिशमेंट की जाती है और वो डिवेलप करता है इनटू अ कंप्लीट, हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म में। वो कहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रही है, वो उसकी हो रही है एंडोमीट्रियम में। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें कि जो यूट्रस है उसके क्या फंक्शंस हैं, तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहला क्या फंक्शन है कि ये ओवा को
रिसीव कर रहा है, उसके बाद उसको रिटेन कर रहा है और नरिश कर रहा है किसको, फर्टिलाइज ओवम को। ठीक है, ये क्या है, ये उसके फंक्शंस हैं। अब अगर हम इसके लास्ट पार्ट की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स की बात कीजिए तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रीजन प्रेजेंट है ये ब्लॉक हुआ हुआ है, और यहाँ पर किसकी वजह से ब्लॉक हुआ हुआ है, यहाँ पर प्लग ऑफ म्यूकस प्रेजेंट है जिसकी वजह से यह इसको ब्लॉकेज हुई हुई है। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसका लास्ट पार्ट क्या है, विजाइना। विजाइना की बात की जाए कि ये कितने हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए कि ये कितनी लॉन्ग है तो ये 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ये जो विजाइना है इसको बर्थ केनाल भी कहा जाता है। हम साथ में यहाँ लिख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 8 to 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे कि इसे बर्थ केनाल भी कहा जाता है। इसे बर्थ केनाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये एजा केनाल, एजा पैसेज, मतलब एक रास्ते की तरह से एक्ट करता है इन्फेंट के लिए ड्यूरिंग बर्थ। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो यूरेथ्रा है वो कहाँ पर इम्बेड हुआ है, इसके इंटीरियर वॉल में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।